चलो मेरे साथ गिर घूमने। सोमनाथ में भगवान शिव जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हमें हुए। सोमनाथ से 60 किलोमीटर जर्नी करके हम सासनगिर आए हैं। सासनगिर में हम गिर विहार रिसोर्ट में आए हैं। यह गिर के अभयारण्य से 3 किलोमीटर दूर है और यह बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ है, आप देख सकते हो। सुबह हमारी लायन सफारी है, ये सफारी 6 बजे चालू हो जाती है और 3 घंटे की रहती है। सासनगिर का जंगल शेरों के लिए फेमस है। पूरे इंडिया में यही जगह है जहाँ शेर पाए जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं लायन सफारी के लिए, 6 o'clock in the morning and we all are ready to go. सफारी चालू होने के कुछ ही देर में हमें सांबर डियर दिखे। डार्क ब्राउन टू ग्रेइश कलर वाले फुल्ली ग्रोन सांबर डियर 5 से 7 फीट तक लंबे और 200 से 400 केजी तक बड़े हो जाते हैं। सांबर डियर को कुछ देर तक ऑब्जर्व करके हम आगे बढ़े। बहुत सारे प्रीडेटर्स और हर्बी और एनिमल्स अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सुबह की सफारी में इसके लिए उनके स्पॉटिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ही सफारी में हम आगे बढ़े, एक थ्रिलिंग मोमेंट हमारा इंतजार कर रहा था। अचानक ही उन धूल भरे रास्तों में हमारे गाइड को कुछ असाधारण सा दिखा। वो थे लायन के पग मार्क। वो फ्रेश पग मार्क बता रहे थे कि यही आसपास है जंगल का राजा शेर। अगर जंगल में एकदम स्ट्रॉन्ग से मंकी कॉल चलती है तो समझ में आता है कि आसपास ही प्रेडेटर है। हमारी गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी। पेड़ पर बैठा ये लंगूर बता रहा था कि जंगल का राजा वही पास में है। सुबह के गोल्डन लाइट में एक मेल लायन ने एकदम ही 10 फीट से हमें दर्शन दिए। इसके ब्रॉड शोल्डर और वेल डिफाइंड मसल इसके स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे थे कि इसके राज्य में आप जरा भी सेफ नहीं हो। फिर ये दोनों भाई उठे और लेक की तरफ एक साथ ही चलने लगे। देयर सिंक्रोनाइज मूवमेंट एंड पेस वेर डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर। कभी इस जंगल में बस 12 ही शेर बचे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्ट्रॉन्ग एफर्ट से अब इनका नंबर 600 से ज्यादा है। सॉफ्ट गोल्डन लाइट ने अर्ली मॉर्निंग में एक मैजिकल एम्बियंस क्रिएट किया था। गिर के सबसे बड़े इस कमलेश्वर डैम के पास एक वॉच टॉवर है। वहां से दूर दूर तक फैले इस नेशनल पार्क का ये अद्भुत नजारा देखो। हम अभी है गिर नेशनल पार्क के सेंट्रल जोन में। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल है। ईरा, वो देखो नीलगाय। दिस इज द लार्जेस्ट एशियन एंटलोप। एंड यू नो, नीलगाय हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अराउंड 3500 इयर्स बैक। बायोडायवर्सिटी से भरे गिर के जंगल में बहुत सारे स्पॉटेड डियर हमको दिखे। कुछ तो एकदम ही दूर थे और कुछ तो एकदम ही पास। कुछ तो हंड्रेड्स के नंबर में थे। इस पूरे जंगल में 45,000 से ज्यादा डियर है। मेल डियर को बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं और जब मेटिंग सीजन आता है तो ये मेल डियर आपस में भिड़ जाते हैं। और अगर फाइट में इनके हॉर्न्स गिर गए तो फीमेल डियर के सामने इनकी वैल्यू जीरो। इन मेल डियर को हर साल न्यू हॉर्न्स आते हैं। आप सोचेंगे फिर पुराने हॉर्न्स का क्या होता होगा? तो ये डियर अपने ही गिरे हुए हॉर्न्स खाते हैं जिससे उनको कैल्शियम मिलता है।
तीन घंटे की इस सफारी से हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए। डैडी, वेयर आर वी गोइंग? बेटा, हम जा रहे हैं अभी देवालिया सफारी। इसको मिनी गिर सफारी भी बोलते हैं। ये एक घंटे की होती है, इसमें 100% वाइल्ड एनिमल दिखते हैं। ईरा, वो देखो, ट्री के शैडो में कितने सारे लायंस बैठे, काउंट करो बेटा। मम्मा, देयर आर 1, 2, 3, 4 लायंस, बट व्हाई आर दे सो लेजी? वो बेटा खाते पीते और सोते रहते हैं दिन भर। ईरा, लुक, देयर आर सो मेनी लेपर्ड्स। मम्मा, देयर कलर इज सो ब्यूटीफुल एंड द स्पॉट्स आर अमेजिंग। एंड नाउ आई विल शो यू मेल लेपर्ड्स। लोग अभी ईरा को स्विमिंग पूल लेके आए हैं। उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था सफारी में और उसको बस स्विमिंग ही करना था। अभी उसको यहाँ पे पूल पे लेके आए हैं। ठंडा पानी है भाई और उसमें बारिश, ठंडी ठंडी ऊपर से बारिश हो रही है एकदम। क्या ये और थंडर आई है? धकेलना पड़ेगा। गिर में आ गए मुंबई वालों ने बारिश यहाँ पे लेके आए। देखो मुंबई की बारिश गिर में। मुंबई वाले जिधर भी जाते हैं बारिश लेके आते हैं। और मुझे वो आम की पड़ी है अभी, बेचारे सब खराब हो जाएंगे। इस साल की पहली बारिश हमने गिर में एंजॉय की। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत सारे बर्ड्स का भी आवाज आ रहा है। ट्रिप में अगर साथ में बच्चे हो तो दोपहर में इनको कभी सोना नहीं होता है। फिर वो पकड़ पकड़ कर हमको साथ में खेलने लेके जाते हैं और अपने नींद की बैंड बज जाती है। गिर के जंगल के आसपास केसर आम के बहुत सारे फार्म हैं। मुझे पहले लगता था कि हापुस यानी अल्फांसो ही आम का राजा है, पर सच बताऊ टेस्ट में केसर जरा भी इससे कम नहीं। ये देखो हमारे रूम की गैलरी से कितना ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है यहाँ पे। और कल हमारी एक मॉर्निंग सफारी अभी बाकी है। ट्रेन का सफर, सोमनाथ और द्वारका की ट्रिप और आज की सफारी से हम इतना थक गए थे कि वहाँ पे चारपाई पे ही हम रिलैक्स हो गए। ये देखो गुजराती थाली, गुजरात में आए और गुजराती खाना नहीं खाया तो क्या ही खाना खाया। अभी ये पूरा काठियावाड़ी खाना है। सुबह भी बहुत बढ़िया आम रस, केसर आम का रस था और सेव भाजी वगैरह सब कुछ बढ़िया था एकदम। वाह, बस ऐसे ही एकदम रिलैक्स रोज नींद मिल जाए तो मजा आ जाए, क्या बोलते हो?
નમસ્તે, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય જીનેન્દ્ર, કેમ છો ભાઈ? મજામાં. આજ હમારા સેકન્ડ સફારી હૈ. મોસમ એકદમ પલટ ગયા હૈ. કલ રાત યહાં પે ભી બારિશ હુઈ થી, તો પૂરી ગરમી ગાયબ હોકે ઠંડી છા ગઈ હૈ. મજા આ ગયા. કલ ઇતને પાસ સે હમે લાયન ને દર્શન દિયે, તો આજ હમને પૂરા ધ્યાન બાકી એનિમલ્સ ઓર બર્ડ્સ પર રખા. बारिश हुई तो आज जंगल एकदम अलग ही लग रहा था. सभी एनिमल्स का मूड भी एकदम खुश होगा शायद. इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जैसे बहुत अलग अलग बर्ड्स ने आज हमें दर्शन दिया. हमें इतने ज़्यादा पास से पिकॉक दिखे कि दिल ही खुश हो गया. डियर तो एकदम जिप्सी के पास आ गया था. और वो देखो दूर पेड़ में छुपा हुआ स्कॉप ऑल. आज हमारी आखिरी सफारी फिनिश हो गई. इस ब्यूटीफुल जंगल को अलविदा करने का समय अब पास आ गया है. गिर का जो केसराम है वो बहुत फेमस है, तो हम ये लेके जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है. हम हैं अभी देव के एयरपोर्ट पे. एक छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ से दिन में एक ही फ्लाइट आती है, मुंबई टू दीव और दीव टू मुंबई. मुंबई से यहाँ फ्लाइट से आने के लिए सिर्फ एक ही घंटा लगता है और यहाँ से गिर जाने के लिए ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा लगता है. सोमनाथ और गिर का हमारा ये सफर यही खत्म हुआ. ये बहुत अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को जरूर यहाँ लेके आइएगा. Cause I'm pure problem. Ready, feed it, me say we ready, feed it.